तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पूरा दिन हेल्दी और हैप्पी गुजरे तो ये वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुबह की ऐसी 5 आदतें जिससे ना सिर्फ आपका पूरा दिन हेल्दी जाएगा बल्कि आप पूरा दिन खुश रहेंगे और एनर्जी से भरे हुए रहेंगे। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक हेल्दी और हैप्पी डे के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है सुबह जल्दी उठना। यहाँ जल्दी उठने का ये मतलब नहीं है कि आप सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ जाइए, क्योंकि हर एक का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, हर एक के रूटीन डिफरेंट होता है। कईयों की नाइट शिफ्ट जॉब्स होती हैं, कईयों का बिजनेस ऐसा होता है जिसकी वजह से वो जल्दी सो नहीं पाते हैं। यहाँ पे मेरा जल्दी उठने से मतलब है कि जितने बजे भी आप उठते हैं ना, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, उससे जस्ट आपको आधा घंटा पहले उठना है। जैसे कि अगर आप 8 बजे उठते हैं तो आप 7:30 बजे उठ जाइए, अगर आप 7 बजे उठते हैं तो आप 6:30 बजे उठ जाइए। इतना तो यार कर ही सकते हैं आप हेल्दी और हैप्पी डे के लिए। तो अब बात करते हैं उन 5 आदतों की जो कि आपको डेली फॉलो करनी है एक हैप्पी और हेल्दी डे के लिए। तो सबसे पहली आदत है कि आपको सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो करना है वो है 1 या 2 ग्लास पानी पीना। आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं और गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। पानी पीने से क्या होता है कि आपका जो रात भर का टॉक्सिक्स होते हैं आपके बॉडी में वो निकल जाते हैं, साथ ही साथ आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है और आप पूरा दिन एनर्जी से भरे हुए रहते हैं और ये आपके सभी ऑर्गन्स को ठीक से काम करने में भी हेल्प करता है। तो हुई ना आपके सुबह की शुरुआत हैप्पी और हेल्दी। अब बात करते हैं सेकेंड हेल्दी हैबिट की। जब आप सुबह आधा घंटा पहले उठेंगे तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट आपको कोई भी एक एक्सरसाइज करनी है जो भी आपको पसंद हो। आप योगा कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, एरोबिक्स, रनिंग, जो भी आपको पसंद हो। और अगर आपको कुछ भी नहीं करना है ना तो आप 15 मिनट की वॉकिंग कर लीजिए, उसी से आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सुबह की एक फिजिकल एक्टिविटी आपको पूरा दिन एक्टिव रखती है और आपको एनर्जी से भर देती है और सभी बीमारियों से भी दूर रखती है। तो इस आदत को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं थर्ड हेल्दी हैबिट की। तो 15 मिनट की एक्सरसाइज के बाद आपको 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी है। नेट पे आपको काफी तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, तो जो भी आपको इजी लगती है, जो आपको लगता है आप इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी गाइडेंस, वो आप चूज कर सकते हैं और सिर्फ 5 से 10 मिनट आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, आप में पॉजिटिविटी बढ़ती है और इससे आपकी बॉडी को आराम भी मिलता है। डीप ब्रीदिंग से आपका ऑक्सीजन लेवल भी सही रहता है जिसकी आजकल हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इससे आपके लंग्स भी स्ट्रांग बनते हैं, अगेन इसकी भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो डीप ब्रीदिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 15 मिनट की एक्सरसाइज के बाद 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग को जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेल्दी हैबिट की, जो कि है हर रोज ब्रेकफास्ट करना। कई बार लोग जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट करना भूल जाते हैं, बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्रेकफास्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक कार को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपके बॉडी को भी पूरा दिन चलने के लिए ब्रेकफास्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो आपके रात के और दिन के खाने में काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी को काफ़ी तरह के नुकसान पहुँच सकते हैं और आप पूरा दिन चिड़चिड़ा फील करेंगे और आपकी काम करने की कैपेसिटी भी लो हो जाएगी। इसीलिए ब्रेकफास्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेल्दी हैबिट की, जो कि है प्लान योर डे। तो आप अपने पूरे दिन को सुबह ही प्लान कर लीजिए। आप कोई भी डायरी ले सकते हैं या नोटपैड ले सकते हैं और उन सभी कामों को लिख लीजिए उस डायरी पे जिसे आप उस दिन पूरा करना चाहते हैं, यानी कि आप सुबह ही अपने लिए एक टू डू लिस्ट बना लीजिए। अगर आप सुबह ही अपना दिन प्लान कर लेंगे तो आपका पूरा दिन टेंशन फ्री जाता है और आप पूरा दिन प्रोडक्टिव रहते हैं। तो ये थी वो 5 सुबह की आदतें जो कि आपको अपने लाइफ में डेली फॉलो करनी चाहिए। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीक अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय।